वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप भी कोरियन वेब सीरीज के फैन हैं और आपको साइकोलॉजी थ्रिलर आपको पसंद है तो मैं आपके लिए 5 कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज लेकर आया हूं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली वेब सीरीज है टनल। इस वेब सीरीज की कहानी ऐसे डिटेक्टिव के इर्द गिर्द घूमती है जो एक सीरियल किलर की तलाश में 30 साल आगे भविष्य में पहुँच जाता है। इस वेब सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। दूसरी वेब सीरीज है हेलबाउंड। इस वेब सीरीज की कहानी ऐसी है कि हेलबाउंड में कोरिया का एक शहर है जिसमें 2027 से 2030 का समय चल रहा है। फिर इसमें देखने को मिलता है कि जिन्होंने भी पाप किए होते हैं उनके सामने एक आत्मा आती है और ऐलान करके जाती है कि उनकी मौत कब और कैसे होगी। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। तीसरी सीरीज है दी साइलेंस। इस वेब सीरीज की कहानी कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक बहुत अच्छा के ड्रामा है जिसको आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। चौथी सीरीज है फ्लावर ऑफ इवल। ये वेब सीरीज एक शख्स और उसकी पत्नी डिटेक्टिव के इर्द गिर्द घूमती है। ये शख्स अपनी डिटेक्टिव पत्नी से अपने काले रहस्य तब तक छुपाता है जब तक कि वह हत्याओं की एक सीरीज की जांच शुरू नहीं कर देती है। इस सीरीज को आप MX प्ले और अजियो से यहाँ पर हिंदी में फ्री में देख सकते हो। पांचवी वेब सीरीज दी ग्लोरी। ये वेब सीरीज एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपने साथ हुए स्कूल में बुली से काफी परेशान रहती है और अपने स्कूल के क्लासमेट से बदला लेती है। ये सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं।